प्यार की खातिर बड़ी बहन ने छोटी बहन को कर दिया कुर्बान और कर दिया प्रेमी के हवाले। फिर जो हुआ उसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बहन रहम की गुहार लगाती रही लेकिन बड़ी बहन ने छिनवा दी सांसें और कर दिया दुनिया से बेगाना। मेला दिखाने के बहाने ले गया था आरोपी और फिर जो किया उसे सुनकर तो बैठ जाएगा दिल। इश्क मोहब्बत और इंतकाम की ये कहानी आपको रोने के लिए मजबूर कर देगी, हैरान कर देगा इस कहानी का हर पहलू। फूलों का तारों का सबका कहना है एक हजारों में मेरी बहना है। ये गाना लिखने वाले अगर जिंदा होते तो रो रहे होते, क्योंकि जिस बहना को प्यारा बताया गया उसी ने छोटी बहन की जिंदगी को ही खत्म करवा दिया और इसके लिए वजह बनी अंधी मोहब्बत और बाप की जागीर। यूपी के बलिया से प्यार मोहब्बत का ऐसा मामला सामने आया है जिसके बारे में जिसने भी सुना उसका दिल बैठ गया और वो उस बहन को भी कोस रहा है जिसने मासूम बहन की जिंदगी छीन ली और उस प्रेमी को भी कोसा जा रहा है जिसने इस खौफनाक खेल को अंजाम दिया। ये कहानी प्यार मोहब्बत और इंतकाम का ऐसा कॉकटेल है कि इस पर एक बॉलीवुड फिल्म बनाई जा सकती है। दरअसल बलिया जिले के नगरा थाना क्षेत्र में एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी छोटी बहन को ही ठिकाने लगवा दिया। इस मामले में आरोपी प्रेमी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था और प्यार में अंधी युवती को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बहन के पकड़े जाने के बाद मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल 15 अक्टूबर को गांव की महिलाओं ने देखा कि खेत में खून से लथपथ एक किशोरी तड़प रही थी। महिलाओं ने गांव के पुरुषों को इसके बारे में जानकारी दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों के द्वारा घायल किशोरी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और अस्पताल में भर्ती किशोरी की शिनाख्त 16 साल की कुमकुम के रूप में हुई। कुमकुम के गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे वाराणसी में उपचार के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी में उपचार के दौरान 21 अक्टूबर को किशोरी की मौत हो गई। कुमकुम जब अस्पताल में भर्ती थी उसी समय पुलिस ने शुरुआती जांच पड़ताल शुरू की जिसमें पता चला कि नौशाद नामक युवक के द्वारा कुमकुम का ये हाल किया गया है। इस मामले में पुलिस ने 16 अक्टूबर को आरोपी नौशाद को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने नौशाद से जब मामले के बारे में पूछताछ की तो उसने मामले में उलझाने वाले जवाब दिए। ऐसे में पुलिस के द्वारा आरोपी नौशाद के मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली गई। सीडीआर से पता चला कि आरोपी नौशाद मृतका की बड़ी बहन सोनम से फोन पर बात करता था। कुमकुम की मौत के बाद से ही उसकी बड़ी बहन सोनम घर छोड़कर फरार हो गई थी। ऐसे में पुलिस के द्वारा सोनम की खोजबीन के लिए टीम लगाई गई। इस मामले में पुलिस ने सोमवार को चंदौली जिले के महुअर कला गांव से मृतका कुमकुम की बड़ी बहन सोनम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सोनम ने चौंकाने वाला जवाब दिया। सोनम ने पुलिस को बताया कि नौशाद से वो पिछले 3 सालों से प्यार करती है। उसकी छोटी बहन कुमकुम को भी इसके बारे में जानकारी थी। नौशाद और सोनम के रिश्ते के बारे में परिजनों को भी जानकारी हो गई थी जिसके चलते परिवार के लोग सोनम की शादी करवाना चाहते थे। कुमकुम और सोनम दोनों सगी बहनें थी और उनका कोई भाई नहीं था। ऐसे में सोनम ने अपने प्रेमी नौशाद के साथ मिलकर अपनी सगी छोटी बहन को खत्म करने की योजना बनाई। सोनम का प्लान था कि छोटी बहन जब नहीं होगी तो वो अपने मायके में ही रहेगी, बाप की संपत्ति उसकी हो जाएगी और वो अपने प्रेमी के साथ भी रह लेगी। इसीलिए सोनम ने कुमकुम को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसके बाद नौशाद के साथ उसे मेला देखने भेजा। सोनम ने कुमकुम से कहा कि तुम मेला देखने जाओ, नौशाद तुम्हें कपड़े दिलाएगा, मिठाई दिलाएगा और नेल पेंट दिलवाएगा। कुमकुम खुशी खुशी नौशाद के साथ मेला देखने चली गई, जहां सुनसान जगह पाकर नौशाद ने कुमकुम का गला घोट दिया और ब्लेड से उसकी नसें काट दी। घायल अवस्था में जब कुमकुम चिल्ला रही थी तो फोन पर सोनम उसकी चीखें सुन रही थी लेकिन उसने नौशाद को नहीं रोका। दूसरे दिन जब गांव की महिलाओं ने ये सब देखा तो कुमकुम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नौशाद ने जो किया उसका खौफनाक मंजर आपके सामने है। आरोपी जब कुमकुम के साथ बर्बरता कर रहा था तो सोनम फोन पर सब कुछ सुन रही थी लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। अब दोनों सलाखों के पीछे रहेंगे और जिंदगी भर अपने किए पर आंसू बहाएंगे, लेकिन एक मासूम जिंदगी दुनिया से विदा हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।